हेलो एवरीवन। सो अभी हम बैलेंसिंग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और बैलेंसिंग में हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ बैलेंसिंग, टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस एंड देन पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ अनबैलेंस्ड प्राइमरी फोर्सेस। ओके, तो पिछले टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि वाई जो भी प्राइमरी फोर्स है, अनबैलेंस्ड प्राइमरी फोर्स, उस अनबैलेंस्ड प्राइमरी फोर्स, पहली बात तो ये अनबैलेंस्ड प्राइमरी फोर्स होता क्या है और इस अनबैलेंस्ड प्राइमरी फोर्स की फुली बैलेंसिंग क्यों पॉसिबल नहीं है, इस अनबैलेंस्ड प्राइमरी फोर्स को हम पूरी तरीके से बैलेंस क्यों नहीं कर सकते, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो मतलब हमने ये देखा था कि वाई इट इज़ पार्शियली अनबैलेंस। ठीक है, पार्शियली अनबैलेंस मतलब पूरी तरीके से बैलेंस ना करके उस लोड को हम या उस अनबैलेंस फोर्स को पार्शियली बैलेंस करते हैं। ओके, चलिए तो आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव्स। ओके, बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव्स, तो बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव्स स्टार्ट करने से पहले हमें पहले लोकोमोटिव्स के बारे में कुछ पॉइंट्स याद होने चाहिए। अगर ये पॉइंट्स हम डिस्कस नहीं करते हैं तो हम इसके न्यूमेरिकल्स जो भी हैं न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सम कुछ बेसिक इसके बारे में बता दूँ। हालांकि आप सभी लोग लोकोमोटिव्स के बारे में जानते हैं, जो स्टीम इंजन के बारे में हम लोग देखते हैं ना, स्टीम इंजन बेसिकली आप पढ़ते हैं, वो स्टीम इंजन क्या है, दैट इज़ ऑल्सो ए लोकोमोटिव। ठीक है, तो लोकोमोटिव में क्या होता है कि पावर जनरेट होती है, जिस तरीके से पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है वैसा ही पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट यहाँ का ही होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि कितने टाइप के लोकोमोटिव्स होते हैं, उसमें कितने इंजन्स होते हैं, उन इंजन्स की क्रैंक शाफ्ट के बीच में क्या क्या एंगल्स होते हैं। ठीक है, चलिए तो देखो, अगर लोकोमोटिव्स की बात करते हैं तो देखो, एक ये प्लेन है जिसमें चार व्हील्स लगे होते हैं। ठीक है, दो व्हील आगे लगे हैं, मान लीजिए जो भी है, दो व्हील चार व्हील जो भी हो सकते हैं, ये दो व्हील आगे वाले प्लेन पे लगे हैं और काफ़ी व्हील यहाँ पीछे लगे हैं, तो मैंने कुछ नहीं सामने व्हील्स बना दिए हैं। तो जनरली जो लोकोमोटिव्स होते हैं वो दो टाइप के लोकोमोटिव होते हैं, एक कपल्ड टाइप और एक अनकपल्ड टाइप। तो पहले देख लेते हैं अनकपल्ड टाइप क्या होते हैं। देखो, अनकपल्ड में ये एक व्हील है और दूसरा व्हील ये है। अगर इन दोनों व्हील्स को आपस में हम बिना, ये देखो, ये वाला व्हील अलग दिख रहा है आपको, व्हील वन, व्हील टू अलग दिख रहा है। अगर ये दोनों व्हील आपस में किसी भी शाफ्ट के थ्रू कनेक्टेड नहीं है, इफ़ दीज टू व्हील्स आर नॉट कनेक्टेड विद एनी शाफ्ट, देन दिस टाइप ऑफ लोकोमोटिव इज कॉल्ड अनकपल्ड लोकोमोटिव। ठीक है, तो कपल्ड क्या होता है, तो कपल्ड में क्या होता है, टू और मोर पेयर ऑफ व्हील्स आर कपल्ड टुगेदर टू इंक्रीज द एडहेसिव फोर्स बिटवीन द व्हील्स एंड द ट्रैक। तो देखो, ये जो ट्रैक है, जिस पर ट्रैक आप रेल समझते हैं, पटरियाँ जो होती हैं, ठीक है, उस पर लोकोमोटिव हमारा चल रहा है, तो कुछ व्हील्स इस पर रोटेट उस पर चल रहे होंगे, इस पर एक इधर होगा और एक इधर होगा। ठीक है, तो अगर ये व्हील को अगर मैं साइड से देखता हूँ तो साइड में ये व्हील्स आपको इस तरीके से दिखाई दे रहे होंगे। तो हमने क्या किया है, इन व्हील्स को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया हमने, इन व्हील्स को पैरेलल मैकेनिज्म पढ़ी थी ना, पैरेलल टाइप की मैकेनिज्म थी ना, वो हम लोग पढ़ चुके हैं, थ्योरी ऑफ मशीन्स फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। तो उसमें क्या करते थे, ये एक व्हील ये, इसमें एक पॉइंट या इसमें एक पॉइंट या, इन दोनों को जब हम आपस में एक कपलिंग रॉड के थ्रू, व्हील्स आर कपल्ड टुगेदर विद द कपलिंग रॉड्स टू इंक्रीज द एडहेसिव फोर्स बिटवीन द व्हील्स। ठीक है, तो अगर दोनों व्हील्स के बीच में इफेक्टिव फोर्स को इंक्रीज करने के लिए अगर हम उन दोनों व्हील्स को एक कपलिंग रॉड के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, इन कपलिंग रॉड्स के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या करेंगे, ये जो फोर्स होता है, जो एडहेसिव फोर्स होता है, जो इसके बीच में, किसके बीच में, इन व्हील्स के बीच में और जिस रेल पर ये चल रहे हैं उसके बीच में, वो बढ़ जाता है। ठीक है, इनकी बैलेंसिंग थोड़ी सी प्रॉपर हो जाती है। दैट्स वाई दैट टाइप ऑफ इंजन वेयर दिस व्हील्स आर कपल्ड विद सम कपलिंग रॉड आर कॉल्ड एज कपल्ड लोकोमोटिव। ठीक है, तो कपल्ड लोकोमोटिव समझ में आ गया। अनकपल्ड में क्या होगा, ये रॉड्स, दोनों व्हील जो हैं आपस में कपलिंग रॉड के थ्रू नहीं कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए, तो जब ये दोनों कपल्ड नहीं होते हैं तो उसको अनकपल्ड बोलते हैं। ठीक है, दोनों व्हील्स को, या जो भी, अगर सिंपली अगर व्हील्स हैं उनको आपस में कनेक्ट नहीं करते हो किसी भी कपलिंग रॉड से, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अनकपल्ड। और जब ये दोनों व्हील्स को आप कपलिंग रॉड के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि थ्रस्ट जो भी मिलता है, एडहेसिव फोर्स मिलता है इन दोनों के बीच में,
रेल के बीच में जिस पर ये चलता है, पटरियां जो होती हैं और जिस पर व्हील चलते हैं, उन दोनों के बीच में क्या होती है, प्रॉपर थोड़ी सी बैलेंसिंग हो जाती है, ठीक है, कपलिंग से एडहेसिव फोर्स इनके बीच में बढ़ जाता है, दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड कपल्ड अनकपल्ड। यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए देखते हैं। अच्छा, कपल्ड अनकपल्ड में भी कुछ रीजन्स टाइप्स होते हैं, वो हम देख लेंगे। इसमें भी देखो, मैंने बोला कि अगर अगर एक व्हील ये है, नॉर्मली अगर हम बात करेंगे तो प्लेन्स के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कितने प्लेन कहाँ होते हैं, कितने नहीं होते हैं, तो वन बाय वन हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी देखो दो टाइप के होते हैं, इसमें भी लोकोमोटिव्स में बेसिकली एक चीज़ याद रखने की, जो लोकोमोटिव्स होते हैं उसमें दो सिलेंडर होते हैं, कितने सिलेंडर होते हैं, दो सिलेंडर। लोकोमोटिव में बेसिकली कितने सिलेंडर होते हैं, दो, देर आर टू सिलेंडर्स इन लोकोमोटिव, ओके। और अगर अगर जैसे ये व्हील है और ये व्हील है, अगर दोनों सिलेंडर्स जो हैं, अगर दोनों सिलेंडर्स व्हील के अंदर हैं, इफ़ द टू सिलेंडर्स आर इनसाइड द व्हील्स, देन देन दिस टाइप ऑफ लोकोमोटिव इज कॉल्ड इनसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव, ठीक है। सो इफ सिलेंडर्स आर माउंटेड बिटवीन द व्हील्स, अगर ये व्हील वन है, ये व्हील टू है, इन दोनों के बीच में सिलेंडर आपने माउंट किए हैं, तो इसको बोलते हैं इनसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव। जिस तरीके से आप देख सकते हो, ये व्हील, एक व्हील का प्लेन ये है और लास्ट वाला ये व्हील का प्लेन ये है, ये क्या है, रेल, जो पटरियाँ उन पटरियों पर चलेंगे रेल जो हैं, ठीक है, और ये बीच में दो सिलेंडर लगा दिए, सिलेंडर वन और सिलेंडर टू, इस तरीके से लगा दिए। तो इस टाइप के लोकोमोटिव को क्या बोलते हैं, इनसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव। तो इनसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव्स आर दोज लोकोमोटिव्स इन विच द टू सिलेंडर्स आर इन विच द टू सिलेंडर्स आर माउंटेड बिटवीन द व्हील्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है आउटसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव। तो आउटसाइड में कुछ नहीं होगा, ये दोनों सिलेंडर बाहर चले जाएंगे, दोनों व्हील आ जाएंगे अंदर, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो, इस वाले फिगर में देख सकते हो। तो देखो, सिलेंडर वन यहाँ है, सिलेंडर टू यहाँ है, इन दोनों के बीच में व्हील लगे होते हैं, समझ गए। चलिए, तो आउटसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव, इनसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव्स क्या होते हैं, ये आपको पता चल गया, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, शायद IES में या कहीं पूछा गया, JEE में पूछा गया था, ये पूछा गया था कि जो भी लोकोमोटिव होते हैं उनके सिलेंडर्स, जो दो सिलेंडर हैं उनके बीच में एंगल कितना होता है क्रैंकशाफ्ट के बीच में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि जो क्रैंक होती है ना दोनों सिलेंडर्स की, वो 90 डिग्री पे अटैच होती है, एक दूसरे से कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। अब देखो, क्रैंकशाफ्ट आपने पढ़ी होगी सिंपली, कुछ इस टाइप का पढ़ा है ना डायग्राम आपने, यहाँ पर पिस्टन लगा होता है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, IC इंजन पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, यहाँ पे IC इंजन, तो यहाँ पे पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है, ये क्रैंक इस तरीके से घूमती है, क्रैंकशाफ्ट घूमती है ना इस तरीके से। अच्छा, अब होता क्या कि जैसे अगर हमने मान ली कि एक क्रैंकशाफ्ट ये है, दूसरी कनेक्ट, यहाँ पे कनेक्टिंग रोड यहाँ कनेक्ट होती है ऊपर पिस्टन के थ्रू, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर एक पॉइंट कनेक्टिंग रोड का इस तरीके से है तो दूसरा इस तरीके से हो जाएगा, इस प्लेन में, ये वाला है इस वाले प्लेन में, इस वाले प्लेन में मतलब इस वाले प्लेन में, और ये वाला पोर्शन हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, समझ रहे हैं, तभी तो 90 डिग्री हुआ भाई, एक प्लेन ये हो जाएगा और एक प्लेन ये हो जाएगा, तो इस प्लेन में इस तरीके से और इस प्लेन में क्या होगा, इस तरीके से, ठीक है, कनेक्टिंग रोड जो है इस तरीके से रहेंगी, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ना वो 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। आई थिंक यू कैन इमेजिन वट आई वॉन्ट टू से, ओके। तो ये समझ में आ गया कि इनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री की सेट होता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। अब ये करते क्यों, ये ऐसा इसलिए करते हैं, पहली बात तो थोड़ी सी बैलेंसिंग प्रॉपर हो जाए, और जो क्या बोलते हैं मल्टी सिलेंडर इंजन के, अगर मल्टी सिलेंडर इंजन के आपने पढ़े होंगे एडवांटेजेस, तो उसमें क्या होगा कि जो भी स्ट्रेसेस जो होती हैं, अनइवन स्ट्रेसेस, वो रिड्यूस हो जाती हैं, ठीक है, प्रॉपर बैलेंसिंग थोड़ी सी हो जाती है, और लोड भी इजीली आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, लोड भी जो भी इफेक्ट है उसको भी इजीली मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, स्टॉपिंग और स्टार्टिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, इंजन कैन स्टार्ट इजीली आफ्टर स्टॉपिंग, अगर एक बार इंजन स्टॉप हो गया तो वो इजीली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट टर्म्स और ये याद रखना है कि जब भी हम बैलेंसिंग करेंगे, अब देखो बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव में क्या है, लोकोमोटिव में है क्या, लोकोमोटिव में क्या है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, और पिस्टन कैसा पार्ट है, पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग पार्ट है, इसीलिए रेसिप्रोकेटिंग पार्ट
होगा तो इसका कुछ ना कुछ इनर्शिया होगा, उस इनर्शिया को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, इनर्शिया अनबैलेंस फोर्स होता है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा हमें, बिल्कुल करना पड़ेगा, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये जो रेसिप्रोकेटिंग मास की बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, इसकी वजह से क्या होगा, एक अनबैलेंस्ड, इट विल जनरेट एन अनबैलेंस्ड और शेकिंग फोर्स, इसकी वजह से एक अनबैलेंस शेकिंग फोर्स जनरेट होगा कि नहीं होगा, उस अनबैलेंस्ड फोर्स को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं। अब तो बैलेंसिंग मास कहाँ रखेंगे, तो उस बैलेंसिंग मास को हम कहाँ रखेंगे, दोनों टाइप के लोकोमोटिव्स में, चाहे कोई भी हो, इनसाइड हो या आउटसाइड हो, हमेशा बैलेंसिंग मास उस प्लेन पर रखा जाएगा जहाँ पर के व्हील्स लगे हैं, समझ रहे हो, कहाँ लगे हैं, व्हील्स। तो देखो मैंने यहाँ बताया, ये अगर ये वाला प्लेन है तो ये इस वाले प्लेन्स पे रखे जाएंगे दोनों मास, समझ रहे हो। तो जैसे ये व्हील लगे हैं तो इसी जगह ही आप बैलेंसिंग मास को पुट करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो बैलेंसिंग मास कहाँ रखा जाता है, आपको याद रखना होना चाहिए, इट इज़ प्लेस्ड ऑन द व्हील्स बोथ, ठीक है, इन बोथ टाइप्स ऑफ लोकोमोटिव, बोथ टाइप, चाहे वो कपल्ड हो या अनकपल्ड, बोथ टाइप का मतलब हो गया चाहे वो कपल्ड हो या अनकपल्ड, दोनों टाइप में हम कहाँ रखते हैं, वी प्लेस इट ऑन द व्हील प्लेन्स, ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा अब देखो अनकपल्ड टाइप लोकोमोटिव क्या होगा, अनकपल्ड टाइप लोकोमोटिव में क्या होगा, अनकपल्ड में देखो क्या होगा, एक तो सिलेंडर, अगर ये मान लिया सॉरी अगर इनसाइड सिलेंडर है तो एक व्हील का प्लेन यहाँ होगा और एक व्हील का प्लेन यहाँ होगा, इन दोनों के बीच में क्या होंगे, सिलेंडर वन सिलेंडर टू होगा, तो कितने प्लेन हो गए, एक तो प्लेन पहले वाले व्हील का, एक प्लेन पहले सिलेंडर का, एक प्लेन दूसरे सिलेंडर का और एक प्लेन चौथे सॉरी दूसरे व्हील का, तो कितने प्लेन हो गए, चार प्लेन। तो याद रखना है कि जो अनकपल्ड लोकोमोटिव होता है उसमें चार प्लेन होते हैं, दो सिलेंडर के और दो व्हील्स के, समझ गए, चलिए। लेकिन कपल्ड में ऐसा नहीं होता, कपल्ड में कितने प्लेन होते हैं, छः, कपल्ड में कितने प्लेन होते हैं, छः। तो देखो कपल्ड की बात करेंगे तो ठीक है, तो कपल्ड की बात करेंगे तो क्या होगा, तो कपल्ड लोकोमोटिव है तो देखो व्हील यहाँ है, व्हील यहाँ है, एक व्हील यहाँ है, तो हम क्या हमने क्या बोला, ये दोनों व्हील आपस में एक कपलिंग रॉड से के थ्रू कनेक्टेड होंगे, सॉरी जैसे एक व्हील, जैसे आप इंजन बना रहे हैं, मान लीजिए ये इंजन है तो इसका एक व्हील यहाँ लगा है, एक व्हील यहाँ, एक व्हील यहाँ, एक व्हील यहाँ, ऊपर से टॉप व्यू देख रहे हैं, तो ये दोनों कपलिंग रॉड के थ्रू कनेक्टेड होंगे और ये दोनों कपलिंग रॉड के थ्रू कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो देखो एक प्लेन तो इस कपलिंग रॉड का होगा, एक प्लेन इस व्हील का होगा, एक प्लेन इस सिलेंडर का होगा पहले वाले का, एक प्लेन इस वाले सिलेंडर का, तो व्हील का एक प्लेन, व्हील का एक प्लेन, एक प्लेन किसका होगा, कपलिंग रॉड का, कपलिंग रॉड वन का, एक प्लेन इधर कपलिंग रॉड का होगा, एक प्लेन सिलेंडर का होगा, एक प्लेन दूसरे सिलेंडर का होगा, सिलेंडर वन सिलेंडर टू, तो टोटल कितने प्लेन होंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो टोटल कितने प्लेन होंगे, देयर विल बी सिक्स प्लेन। तो आपको याद रखना है जब भी कपलिंग टाइप को लोकोमोटिव होगा तो उसमें छः प्लेन होते हैं, और जो अनकपल्ड होगा उसमें कितने प्लेन होंगे, अनकपल्ड में चार प्लेन होंगे, ठीक है, याद रखना। द प्लेन्स कंटेनिंग कपलिंग रॉड मासेज लाइज आउटसाइड द प्लेन ऑफ द कंटेनिंग काउंटर मास, ओके चलिए। तो इसमें जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था उसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना है, व्हील यहाँ है पहला वाला, इसका प्लेन दूसरा जो प्लेन है जिस पे कि कपलिंग रॉड लगी है वो बाहर है, इसके बाद सिलेंडर वन सिलेंडर टू व्हील टू और कपलिंग रॉड टू, ठीक है, ये याद रखना है, इतना समझ रहे हैं, चलिए ओके। अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा कि हमने देखा कि जब भी हमने पहले ये देखा कि बैलेंसिंग करते हैं रेसिप्रोक अनबैलेंस्ड प्राइमरी फोर्स की, तो पहले हमने जब उसको पूरा बैलेंस करने की कोशिश की तो क्या क्या चीज़ देखने को मिली, हमने देखा कि पहले जो प्राइमरी फोर्स अनबैलेंस फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा था, जब हमने बैलेंस किया बाय रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, तो बाय जस्ट एडिंग सम मास ऑन सम रोटरी प्लेन, तो हमने देखा ये अनबैलेंस फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, लेकिन अगर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड देखेंगे तो वो एम आर ओमेगा स्क्वायर ही रहा था अनबैलेंस फोर्स का, ठीक है ठीक है। इसीलिए हमने क्या बोला, हमने बोला भाई नहीं पूरा मास बैलेंस नहीं करेंगे, इस मास का एक पोर्शन ही बैलेंस करते हैं, लेट्स सी फ्रैक्शन वी बैलेंस, यही तो हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, चलिए। अब होगा क्या,
अब होगा क्या कि अनबैलेंस जो फोर्स है, एक तो वन माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर, वन माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, एक ये अनबैलेंस फोर्स रह गया था प्राइमरी बैलेंस का, और एक जो मास हमने रखा था उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट सी एम आर ओमेगा स्क्वायर, सी एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओके सॉरी, आसपास थोड़ा शोर हो रहा है, इसीलिए आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, 10-15 मिनट का जो भी है आज यहीं पर फिनिश करते हैं। ओके गुड नाइट।